सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल जंक्शन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए अपने आसपास के टेक्नोलॉजी को सबसे अच्छे से समझने के लिए। दोस्तों आप चाहे कोई भी स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, फिर चाहे वो 5000 का हो, 50000 का हो या फिर 1 लाख का ही क्यों ना हो, हर स्मार्टफोन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उस स्मार्टफोन में लगा हुआ प्रोसेसर। दोस्तों आज मैं ऐसे ही एक प्रोसेसर के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि 2019 में लगभग हर एंड्रॉइड फ्लैगशिप स्मार्टफोन को पावर करने वाला है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ क्वालकॉम के लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर के बारे में। दोस्तों स्नैपड्रैगन 855 कौन कौन सी इसमें नई चीजें हैं, इसके मदद से आप अपने स्मार्टफोन में कौन कौन से नए फीचर्स को यूज कर पाओगे और साथ ही स्नैपड्रैगन 845 के कंपैरिजन में 855 में कौन कौन सी इंप्रूवमेंट्स की गई हैं, जानने के लिए आज आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और इस वीडियो में आपसे इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहल, आप देख रहे हैं टेक्निकल जंक्शन। तो चलिए जानते हैं स्नैपड्रैगन 855 के बारे में। दोस्तों किसी भी स्मार्टफोन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उस स्मार्टफोन में लगा हुआ प्रोसेसर। आपका स्मार्टफोन कैसे वर्क करेगा, कौन कौन से काम करेगा, कैसे कैसे टास्क परफॉर्म करेगा, कितने स्पीड से करेगा, ये सारा कुछ डिपेंड करता है उस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के ऊपर। और प्रोसेसर कितना फास्ट वर्क करेगा, प्रोसेसर कैसे कैसे टास्क परफॉर्म करेगा, ये डिपेंड करता है 4 फैक्टर्स के ऊपर। यहाँ पे पहला फैक्टर है उस प्रोसेसर की टेक्नोलॉजी, दूसरा उस प्रोसेसर का आर्किटेक्चर यानी कि डिजाइन, तीसरा उस प्रोसेसर के कोर्स, कितने कोर्स लगे हैं उसमें, चौथा है उस प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी। दोस्तों अगर आप इन चारों फैक्टर्स को अच्छे से डिटेल में जानना चाहते हो तो ऊपर आई बटन या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के मदद से जान सकते हो। चलिए अभी के लिए बात करते हैं स्नैपड्रैगन 855 के आर्किटेक्चर की यानी कि डिजाइन की। दोस्तों जहां पे भी बात आती है डिजाइन की, तो किसी भी चीज के लिए, फिर चाहे वो प्रोसेसर हो, आपका घर ही क्यों ना हो, डिजाइन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्योंकि आपके पास जितना भी जगह है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप उस जगह का अगर मैक्सिमम को यूटिलाइजेशन करना चाहते हो तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर होना चाहिए, आपके पास एक बहुत ही अच्छा डिजाइन होना चाहिए। तो अगर बात करूं स्नैपड्रैगन 855 के डिजाइन की, आर्किटेक्चर की, तो स्नैपड्रैगन 855 बेस्ड है लेटेस्ट आर्म के कॉर्टेक्स काइरो 485 आर्किटेक्चर के ऊपर, जो कि अभी किसी भी मोबाइल प्रोसेसर के लिए अवेलेबल सबसे मॉडर्न डिजाइन है। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं स्नैपड्रैगन 855 के टेक्नोलॉजी की। दोस्तों अगर आपको पता हो तो जो भी प्रोसेसर आप यूज करते हो स्मार्टफोन में या फिर कहीं भी, तो उस प्रोसेसर में लाखों करोड़ों छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं और प्रोसेसर की टेक्नोलॉजी उन्हीं ट्रांजिस्टर्स के साइज के बारे में आपको बताता है। मतलब ट्रांजिस्टर्स की साइज जितनी छोटी होगी प्रोसेसर उतना ही ज्यादा फास्ट वर्क करेगा, प्रोसेसर उतना ही ज्यादा पावर एफिशिएंट होगा, मतलब वो प्रोसेसर उतनी ही कम बैटरी को कंज्यूम करेगा। तो जहां पे भी बात आती है टेक्नोलॉजी की स्नैपड्रैगन 855 के अंदर, तो स्नैपड्रैगन 855 बेस्ड है 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे। दोस्तों 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी वाले प्रोसेसर के बारे में अगर आपको डिटेल में अच्छे से समझना हो तो ऊपर आई बटन या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के मदद से आप जान सकते हो। दोस्तों 7 नैनोमीटर की साइज अभी किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए अवेलेबल सबसे छोटी साइज है और 7 नैनोमीटर से छोटे ट्रांजिस्टर्स अभी तक मैन्युफैक्चर नहीं हुए हैं। मतलब आप खुद ही समझ सकते हो कि स्नैपड्रैगन 855 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड प्रोसेसर है। चलिए अब बात करते हैं स्नैपड्रैगन 855 के कोर्स के बारे में। दोस्तों कोर को आप ऐसे सिंपली समझ लो कि कोर को कंपेयर कर लो आप अपने हाथों से, जहां पे आपके पास जितने ज्यादा हाथ होंगे आप उतना ही ज्यादा काम एक समय में कर सकते हो बिना रुके हुए या फिर बिना थके हुए। उसी तरीके से प्रोसेसर में जितने ज्यादा कोर्स होंगे आपका प्रोसेसर एक समय पे उतने ही ज्यादा टास्क को परफॉर्म कर सकेगा बिना किसी लैग के, मतलब वो प्रोसेसर मल्टीटास्किंग उतने ही अच्छे से हैंडल कर सकेगा। तो दोस्तों जहां पे बात आती है स्नैपड्रैगन 855 के कोर्स की, तो स्नैपड्रैगन 855 आता है कस्टम काइरो 485 कोर्स के साथ, जहां पे आपको ट्राई क्लस्टर डिजाइन देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे आपको कोर के 3 लेयर देखने को मिलेंगे, जहां पे पहला है 4 बेसिक कोर जो कि बेसिकली होते हैं पावर एफिशिएंट कोर, उसके बाद आपको मिलता है दूसरा लेयर जो कि है हाई स्पीड कोर जो कि बेसिकली होते हैं परफॉर्मेंस कोर, उसके बाद स्नैपड्रैगन 855 में एक नया प्राइम कोर इंट्रोड्यूस किया गया है। और इस प्राइम कोर को आप ऐसे समझ लो कि प्राइम कोर हाईएस्ट स्पीड वाले कोर्स हैं। प्राइम कोर का मतलब है कि ये स्नैपड्रैगन 855 के लिए नाइट्रॉक्स का काम करेंगे और यही प्राइम कोर स्नैपड्रैगन 855 को बनाता है बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट मोबाइल प्रोसेसर। चलिए अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो दोस्तों जहां पे भी बात आती है फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी सबसे पहले तो मेजर की जाती है गीगाहर्ट्ज़ के अंदर, और फ्रीक्वेंसी का मतलब है उस प्रोसेसर के स्पीड के बारे में, मतलब फ्रीक्वेंसी आपको उस प्रोसेसर के स्पीड के बारे में आपको बताता है।
मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप मान लो कि कोई प्रोसेसर है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 1 गीगाहर्ट्ज़, तो उसका यह मतलब है कि वो प्रोसेसर 1 सेकंड में 1 बिलियन टास्क परफॉर्म कर सकता है। वहीं पे अगर किसी प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी है 2 गीगाहर्ट्ज़, तो उसका यह मतलब है कि वो प्रोसेसर 1 सेकंड के अंदर 2 बिलियन टास्क परफॉर्म कर सकता है। दोस्तों अगर बात करूं यहाँ पे स्नैपड्रैगन 855 के फ्रीक्वेंसी की, तो जो 4 बेसिक कोर्स हैं, जो 4 पावर एफिशिएंट कोर्स हैं, वहां पे फ्रीक्वेंसी है 1.8 गीगाहर्ट्ज़ की। उसके बाद जो 3 परफॉर्मेंस कोर हैं, वहां पे स्पीड है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की, और जो नाइट्रॉक्स कोर है, जो सिंगल प्राइम कोर है, वहां पे फ्रीक्वेंसी है 2.84 गीगाहर्ट्ज़ की। और दोस्तों 2.84 गीगाहर्ट्ज़ अभी किसी भी प्रोसेसर के लिए हाईएस्ट अवेलेबल फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये प्रोसेसर फास्टेस्ट अवेलेबल मोबाइल प्रोसेसर है। दोस्तों ये बात हो गई स्नैपड्रैगन 855 के इंटरनल्स की, मतलब ये कैसे बने हैं, इसके आर्किटेक्चर क्या है, इसमें कितने कोर्स हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल्स के बारे में, मतलब अगर कोई मोबाइल प्रोसेसर लेटेस्ट आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, एक अलग से कोर का लेयर उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है और साथ ही आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करता है, तो इतने मॉडर्न प्रोसेसर की मदद से आप अपने स्मार्टफोन में कौन कौन सी नई चीजों को यूज कर सकते हो उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों जहां पे भी बात आती है प्रोसेसर की, तो कोई भी प्रोसेसर स्मार्टफोन के अंदर 4 तरीके के टास्क को परफॉर्म करता है, जहां पे पहला है कनेक्टिविटी, दूसरा है परफॉर्मेंस, तीसरा है कैमरा, और चौथा है आजकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट AI, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो चलिए सबसे पहले बात करें अगर कनेक्टिविटी की, तो दोस्तों साल 2019 एक तरीके से 5G के लिए डेब्यू ईयर होने वाला है, जहां पे इस साल आपको कई सारे ऐसे स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे जिनमें कि आपको 5G का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जहां पे भी बात आएगी 5G स्मार्टफोन की, तो ऑब्वियस ही बात है 5G स्मार्टफोन को पावर करने के लिए 5G प्रोसेसर भी चाहिए। तो दोस्तों स्नैपड्रैगन 855 दुनिया का पहला 5G सपोर्ट वाला प्रोसेसर है। वैसे ऐसा नहीं है कि अगर आपके फोन में स्नैपड्रैगन 855 लगा है तो वो 5G सपोर्ट हो जाएगा, वहां पे आपको उसके लिए क्वालकम का X50 5G मॉडम यूज करना पड़ेगा। मतलब ऐसे समझ लो कि अगर आपके फोन में सिर्फ स्नैपड्रैगन 855 लगा है तो फिर आपका फोन 4G सपोर्टेड है। अगर जिन फोन्स में स्नैपड्रैगन 855 के साथ साथ X50 5G मॉडम लगा है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन लगा है, वो स्मार्टफोन 5G सपोर्टेड होंगे। साथ ही यहाँ पे स्नैपड्रैगन 855 में वाईफाई 6.0 का भी सपोर्ट आपके लिए प्रोवाइड किया गया है, जो कि अभी किसी भी अवेलेबल वाईफाई टेक्नोलॉजी से बहुत ही ज्यादा फास्ट है। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं कैमरा के बारे में। दोस्तों कैमरा अभी किसी भी स्मार्टफोन के लिए सबसे जरूरी कंपोनेंट्स में से एक है, और यहाँ पे स्नैपड्रैगन 855 के अंदर लेटेस्ट स्पेक्ट्रे 380 CVISP का सपोर्ट आपके लिए प्रोवाइड किया गया है, जहां पे स्पेक्ट्रे 380 CVISP के मदद से आप अपने फोन में लाइव फोटोग्राफी कर सकते हो। मतलब आप वहां पे ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हो, आप फोटोग्राफी करते समय ऑब्जेक्ट के फोरग्राउंड और ऑब्जेक्ट की बैकग्राउंड को लाइव चेंज कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे स्नैपड्रैगन 855 के अंदर 48 मेगापिक्सल तक का सिंगल कैमरा और 22 मेगापिक्सल तक का डुअल कैमरा सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है। मतलब गूगल पिक्सल जैसे स्मार्टफोन जहां पे आपको सिंगल कैमरा यूज किया जाता है, वहां पे 48 मेगापिक्सल तक का सिंगल कैमरा उसमें यूज किया जा सकता है, और जो आजकल हर स्मार्टफोन में आपको डुअल कैमरा देखने को मिलता है, उसमें आपको 22+22 मेगापिक्सल के डुअल कैमरा का यूज किया जा सकता है। दोस्तों सिंपली अगर एक लाइन में बोलूं तो स्नैपड्रैगन 855 के अंदर कैमरा के फील्ड में बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं, जहां पे आप फोटोज और वीडियोस कमाल के शूट कर सकते हो बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम बैटरी को खर्च करके। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों जहां पे भी बात आएगी परफॉर्मेंस की, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि स्नैपड्रैगन 855 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, मॉडर्न आर्किटेक्चर के साथ आता है, यहाँ पे आपको कोर के लिए एक अलग सा प्राइम कोर इंट्रोड्यूस किया गया है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपको प्रोवाइड करता है। तो इसका मतलब साफ है कि स्नैपड्रैगन 855 आपको बहुत ही कमाल का मोबाइल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। अगर इसको कंपेयर करें पिछले फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन 845 से, तो स्नैपड्रैगन 845 के कंपैरिजन में 855 45% तक ज्यादा इफिशियंट है, और अगर ग्राफिक्स की बात करूं तो 845 के कंपैरिजन में स्नैपड्रैगन 855 20% तक ज्यादा अच्छे ग्राफिक्स आपको प्रोवाइड कर सकता है। दोस्तों ये बहुत ही बड़ा इंप्रूवमेंट है, क्योंकि अगर एक इंप्रूवमेंट की बात करूं तो पिछले ग्रेड के प्रोसेसर से अगला ग्रेड जो होता है उसमें आपको 1-2%, 2-3%, मैक्सिमम 5% का इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, लेकिन यह आपको 45% का इंप्रूवमेंट ओवरऑल प्रोसेसर में देखने को मिलेगा और 20% का इंप्रूवमेंट यहाँ पे आपको ग्राफिक्स के अंदर देखने को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं AI के बारे में, जो कि आजकल हर स्मार्टफोन में बहुत ही जरूरी है और आने वाले दिनों में AI के यूजेस स्मार्टफोन में बढ़ते ही जाएंगे। तो दोस्तों AI टास्क को हैंडल करने के लिए स्नैपड्रैगन 855 के अंदर लगा है 4th जनरेशन का AI इंजन, और ये 4th जनरेशन का AI इंजन 1 सेकंड में 7 ट्रिलियन AI टास्क को परफॉर्म कर सकता है। दोस्तों 1 सेकंड में 7 ट्रिलियन AI टास्क का मतलब है कि आपके सोच से भी ज्यादा फास्ट। मतलब साफ है कि स्नैपड्रैगन 855
आपके स्मार्टफोन में जहां जहां भी एआई की जरूरत है उन टास्क को बहुत ही अच्छे से हैंडल करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी स्नैपड्रैगन 855 की, जहां पे हमने स्नैपड्रैगन 855 के इंटरनल्स को कवर किया, जिसमें हमने जाना स्नैपड्रैगन 855 के आर्किटेक्चर के बारे में, स्नैपड्रैगन 855 की टेक्नोलॉजी के बारे में, इसके कोर्स के बारे में, इसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में। उसके बाद हमने बात किया कि स्नैपड्रैगन 855 कनेक्टिविटी, कैमरा, एआई और परफॉर्मेंस के मामले में रियल वर्ल्ड में कैसा परफॉर्म करेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक या फिर शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। अगर आपके मन में टेक्नोलॉजी रिलेटेड, मेरे रिलेटेड, मेरे चैनल रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो, तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने टेक्निकल जैसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि टेक्नोलॉजी रिलेटेड ऐसे ही मजेदार वीडियोस मैं आपके लिए रोजाना लेके आता रहता हूं।